हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे चेन क्लीन और चेन लुब्रिकेंट किया जाता है। मेरे पास है चेन क्लीनर और चेन लुब्रिकेंट रॉयल एनफील्ड की। मैं दो दिन पहले परचेज़ किया हूँ। इसका प्राइस है 185 रुपीज़, इसका भी प्राइस है 185 रुपीज़। ये 150 ml के आते हैं, ये भी 150 ml का है। लेकिन आज मैं इसे नहीं दिखाने वाला हूँ, बाद में इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो रॉयल एनफील्ड का और कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, 150 ml का बहुत ही कॉस्ट आते हैं मार्केट में। 150 ml से आप हार्डली अच्छी तरह से क्लीन 3 बार कर सकते हैं। लेकिन जो है केरोसिन आप 1 लीटर से ना 9 से 10 बार क्लीन कर पाएंगे। केरोसिन से अच्छी तरह से आप साफ भी हो जाएगा, कम दाम में है, ठीक है। तो चलिए कैसे केरोसिन से क्लीन करते हैं दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा बाइक की चेन पूरा गंदी हो चुकी है। इसको अभी क्लीन करना है। ये देखिए देसी जुगाड़ केरोसिन क्लीन करने के लिए ब्रश दो टाइप की, और ये कपड़ा कॉटन कपड़ा, और ये ल्यूब के लिए मैं लिया हूँ सरसों का तेल। पहले क्या करना है, पहले ये कॉटन कपड़ा से थोड़ा पोंछ लीजिएगा। ये कॉटन कपड़ा से पोंछ लीजिएगा, जितना भी डस्ट है वो निकल जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा नीचे थोड़ा पेपर डाल दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों पूरा केरोसिन तेल से मैं चेन को क्लीन कर चुका हूँ। इसको अभी 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम इसको कॉटन सूखे कपड़े से पोंछ लूंगा। फिर सरसों का तेल से ल्यूब करूंगा। इस तरह पोंछ लीजिएगा। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाल के फिर पहिया घुमा के ऐसे पोंछते हैं, लेकिन वैसा मत कीजिए क्योंकि बहुत ही रिस्क है, हाथ सॉकेट में घुसने का चांस रहता है, ठीक है। तो वैसे मत कीजिए, स्टार्ट बंद करके न्यूट्रल में डाल के ऐसे ही सभी क्लीन से पोछा मारते हुए फिर ल्यूब करने, पूरा प्रोसेस ऐसे ही कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए पूरा साफ हो चुकी है। पहले क्या था अभी क्या हो गया।
अभी सरसों का तेल से पूरा ल्यूब करना है। अभी सरसों का तेल देना है जो ल्यूब का काम करेगा।